मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने उनको बाय किया। ये अच्छे से ब्लेंड ही नहीं होता है, लिक्विड लिपस्टिक लगाना बिल्कुल हेडेक हो जाता है और इतना ज्यादा पिगमेंट नहीं देता है। हाय गाइस, दिस इज वर्षा मेघानी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माय ग्लैम से कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने उनको बाय किया। तो वो सारा जो है ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि इन केस अगर आप उन चीज़ों को परचेस करें तो आपको भी आइडिया लग जाए कि कितने अच्छे वो प्रोडक्ट्स हैं, उन पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। सो मेरे पास कुछ इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और इसमें भी और प्रोडक्ट्स हैं। सो अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट आइटम है मेरे पास ये मनीष मल्होत्रा का फाउंडेशन। इसमें आपको 34 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है एंड इसका प्राइस है 999 रुपीज। यस, आप 34 ग्राम प्रोडक्ट के लिए आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे एंड आपको डिस्काउंट पे ये शायद 700-800 का मिल जाएगा। तो इसकी अगर बात करूँ पैकेजिंग की तो पैकेजिंग काफ़ी सुंदर है एंड अंदर से और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। सो ये इस टाइप के कुछ पम्प पैकेजिंग में आता है, बट पैकेजिंग अगर करेंगे क्या जब प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं होगा। यस, मुझे लाइक इस पर 1000 रुपीज पे करना मुझे एकदम वेस्टेज लगा क्योंकि वैसे ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, लाइक काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है, बट ये अच्छे से ब्लेंड ही नहीं होता है। लाइक कहीं कहीं जगह पे बिल्कुल एकदम पैचेस की तरह हो जाता है और थोड़ी देर बाद में सेट हो जाता है। लाइक मैंने आज ही यूज़ किया, मेकअप ओवरऑल सेट हो गया लेकिन यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा पैचेस दिख रहा था। आई डोंट नो ये ड्राई स्किन वालों के लिए ऐसा कुछ सीन क्रिएट करता है या फिर ऑयली स्किन के लिए भी ऐसा करता है। तो अगर आपने ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कहीं मैं ही कोई गलती कर रही हूँ या फिर ये फाउंडेशन ही गलत है। तो इसमें मेरा जो शेड है वो है 03 न्यूट्रल आइवरी। मेबलिन का फिट में फाउंडेशन, मामाअर्थ का फाउंडेशन इनसे बेस्ट है और 1000 रुपीज इस पर देना उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। सो नेक्स्ट आइटम है मेरे पास मनीष मल्होत्रा का ये फेस एंड बॉडी हाइलाइटर। इसमें मेरा शेड है ब्लेज एंड इसमें आपको कुछ इतनी सी ट्यूब मिल जाती है एंड इसका जो प्राइस है वो है 1250 रुपये। इसमें आपको सिर्फ 12 ml प्रोडक्ट मिलता है, इसमें आपको 2-3 और भी शेड्स मिल जाएंगे लेकिन इसमें लाइक आपको क्वांटिटी बहुत कम मिलती है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी अप्लाई करेंगे, लाइक एक भी अगर इसकी ड्रॉप इतनी सी भी अप्लाई करेंगे ना तो भी ये बहुत ही ज़्यादा लाइक काम आ जाएगी, इतना लाइक एरिया आपका जो है कवर कर देती है। तो अगर हाइलाइटर की बात करूँ, हाइलाइटर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथली ऐसे ब्लेंड हो जाता है एंड काफ़ी सही शाइन भी ये प्रोवाइड करता है। सो आप देख सकते हैं कैसे इंस्टेंट शाइन प्रोवाइड किया है, एकदम लिफ्टेड फेस लग रहा है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे ही महंगा लगता है बट क्वालिटी अच्छी है। पर अगर इसमें आपको कम प्राइस में अगर आपको अच्छा हाइलाइटर चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं, लाइक NYBA में आपको काफ़ी मिल जाएंगे, स्विस ब्यूटी में मिल जाएंगे, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला लाइक मनीष मल्होत्रा वाला ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं, क्वालिटी इसकी अच्छी है। सो नेक्स्ट आइटम है मेरे पास ये माय ग्लैम की पोपेक्सो लिपस्टिक, जिसमें मेरा वेरिएंट है ग्लैम स्क्वाड। इसमें आपको काफ़ी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, इसका जो प्राइस है वो है 500 रुपीज एंड इसमें आपको एक में 3 शेड्स मिल जाते हैं जो कुछ इस टाइप से हैं। एंड बात करूँ अगर शेड्स की तो इसका शेड नेम है वाइफी, इसका है CEO एंड इसका है ट्रॉपर। सो ये कुछ इस टाइप से है, लाइक इनकी अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी सुपर्ब है, एकदम हाइड्रेटिंग इनका जो है फॉर्मूला है। लिक्विड लिपस्टिक होने के बाद भी आपके जो लिप्स को ड्राई आउट नहीं करती है और एकदम क्रैक्स नहीं पड़ते हैं इसको अप्लाई करने के बाद में। सो किसी भी हाई एंड ब्रांड को ये आराम से टक्कर दे सकती है। तो सेकेंड शेड ये है एंड थर्ड शेड है ये पर्पल शेड जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो इसमें आपको एक ही बॉक्स में 3 अलग अलग शेड मिल जाते हैं, जिसमें आपको पिंक, ब्राउन एंड पर्पल मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा है, ये आपको जो है काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पे भी अवेलेबल हो जाता है माय ग्लैम पे। तो ये वाला वेरिएंट एक बार ज़रूर ट्राई करना। सो नेक्स्ट आइटम है मेरे पास ये माय ग्लैम की 2 लिक्विड मैट लिपस्टिक, जिनका इंडिविजुअल प्राइस 395 रुपीज़ है एंड इसमें मेरे 2 शेड है, लाइक एक है ईवो है, एक है डार्क अकेडमिया। तो ये मैंने एक ऑफर में परचेस की थी, इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको स्वेचेस दिखा देती हूँ। इसमें आपको 3 ml क्वांटिटी मिल जाती है एंड ये सर्वे पे आपको लाइक 99 रुपीज़ की भी मिल जाएगी। तो उस सर्वे की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फर्स्ट जो है वो है ब्राउनिश शेड
एंड एक काफी अच्छा चॉकलेटी ब्राउन शेड है। बात करूं अगर फॉर्मूला की, फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लाइक आप इसको अप्लाई करते हो ना, बिल्कुल भी आपके लिप्स को ड्राई आउट नहीं करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रांसफर प्रूफ है। विंटर्स में एक तो लिप्स एकदम डल हो जाते हैं, चैप लिप्स की प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद में लिक्विड लिपस्टिक लगाना बिल्कुल हेडेक हो जाता है, और लेकिन इस लिपस्टिक्स के बाद में वो बिल्कुल भी वैसा प्रॉब्लम नहीं होता है। इस वाली का नाम है डार्क अकेडमिया, एंड नेक्स्ट है मेरे पास ई बॉय, जो एक पर्पल शेड में है, लाइक बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर है, लेकिन लगाने पे काफ़ी अच्छा दिखता है। नेक्स्ट आइटम है मेरे पास ये माइग्लैम का लिक्विड ग्लॉसी आई लाइनर इन द शेड ग्रीन। इसका प्राइस है 325 रुपीज, एंड इसमें आपको 3.5 ml क्वांटिटी मिल जाती है, एंड ये कुछ इस टाइप से दिखता है। इसका जो एप्लीकेटर है वो काफ़ी अच्छा है, लाइक इसके जो ब्रशेज है वो काफ़ी थिन है, काफ़ी अच्छे से आप जो है आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पिगमेंटेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लाइक एक दो बार लगाना पड़ता है, नहीं तो यहाँ से आगे से वाइट हो जाता है। पहले मैंने इसको यूज़ किया था तो मुझे काफ़ी अच्छी पिगमेंट लगी थी इसकी, बट मैंने जब एक दो दिन पहले इसको यूज़ किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये इतना ज़्यादा पिगमेंट नहीं देता है, प्लस आपको एक दो बार अप्लाई करना पड़ता है और यहाँ से हल्का हल्का सा वाइट होने लग जाता है, आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है। एंड इसमें आपको बहुत ही लाइक फंकी शेड्स मिल जाते हैं, पर्पल पिंक वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे शेड्स मिल जाते हैं, एंड ऑफर पे ये आपको 199 पे आराम से मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आई लाइनर है, स्मज प्रूफ आई लाइनर है, तो उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है ये। नेक्स्ट आइटम है मेरे पास ये माय ग्लैम का क्रेयॉन लिपस्टिक, जिसमें मेरा शेड है कार्नेशन। इसका प्राइस है 695 रुपीज़, एंड ये मुझे स्मिटन पे एक ट्रायल पॉइंट के बदले मिली थी। अभी आपको शायद 6 ट्रायल पॉइंट के बदले मिलेगी, तब मुझे ऑफर में ये एक ट्रायल पॉइंट के बदले मिली थी। इसमें आपको 3.7 ग्राम की क्वांटिटी मिल जाती है, जो काफी ज्यादा है, जस्ट लुक एट दिस, काफी ज्यादा आपको क्वांटिटी इसमें मिल जाती है। एंड ये काफी नरिशिंग लिपस्टिक है, पिगमेंट के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छा पिगमेंट है, लाइक जैसे काफी सॉफ्ट पिंक कलर आपको इसमें मिल जाता है। एंड इट इज अ मॉइस्चराइजिंग मैट लिप क्रेयॉन, लाइक आपको ये बिल्कुल मैट इफेक्ट देता है, एंड बिल्कुल भी एकदम शाइनी या ग्लॉसी नहीं लगता है, एंड सेम टाइम पे आपके लिप्स को काफी अच्छे से मॉइस्चराइज भी करती है, तो मैट लुक के साथ में आपके लिप्स एकदम हाइड्रेटेड रहते हैं। एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, एंड इनकी जो मैट लिपस्टिक्स है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा शेड्स मिल जाते हैं, प्लस ऑफर्स भी बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, तो ये वाले ऑफर्स भी मैं आपको शॉर्ट्स पे बताती रहती हूँ, तो वो चेकआउट करते रहा करो। नेक्स्ट है मेरे पास इनकी ये क्रीमी मैट लिपस्टिक्स, जिनका प्राइस है 595 रुपीज़, एंड इसके अलावा मेरे पास 6 लिप बाम भी है इनके, पीएच लिप बाम, और ये सारा कुछ लाइक 6 लिप बाम एंड 3 लिपस्टिक मुझे 297 की मिली थी। एंड इसके स्वेचेस, इनका रिव्यू, फुल रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। एंड ये सारा आइटम मुझे कैसे 297 में मिला वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। और अगर लिप बाम की बात करूं तो लिप बाम का प्राइस 345 है, एंड ऐसे 345 वाले 6 लिप बाम मिले हैं, एंड 595 वाली 3 लिपस्टिक्स भी मिली हैं, तो ये सारा आप उस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ मैं इसको ओपन नहीं कर रही। सो नेक्स्ट आइटम है मेरे पास ये माय ग्लैम की नेल एनिमल डुओ, एंड इसका जो प्राइस है वो 295 है। इसमें आपको ये 2 शेड्स मिल जाते हैं नेल पेंट के, एंड इसमें आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाएंगे। इसमें मैंने जो पर्चेस किया है वो है विग्ड विश, एंड इसमें आपको 5 ml क्वांटिटी ईच मिल जाती है, बट ये जो बॉटल्स हैं वो लाइक काफ़ी छोटू लगती है मुझे, 295 के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटी हैं, एंड ये आपको इस टाइप से मिल जाएंगी। इनका जो शेड है वो काफ़ी सुंदर है, लेकिन बात करूँ क्वांटिटी एंड प्राइस की तो थोड़ी सी बड़ी बॉटल ये दे सकते थे एज़ पर द प्राइस, बट क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है, और इसमें आपको काफ़ी सारे वेरिएंट मिल जाएंगे, लाइक शिमर शेड में अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे, इसमें अलग कलर्स मिल जाएंगे, एंड काफ़ी पिगमेंटेड शेड है, लाइक ये वाला जो कलर है बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो लगाने के बाद काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी अगर आप स्मिटन से चाहते हैं तो स्मिटन से भी आपको 3-4 ट्रायल पॉइंट के बदले मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा भी मेरे पास माय ग्लैम की पॉपेक्सो में काफ़ी सारी नेल पेंट्स हैं, उसका अगर आप सेपरेट रिव्यू चाहते हैं तो मुझे बता देना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।